अभी तो मैं यहाँ की चाय पीऊँगा और हमारे बड़े भाई तरुण चुग जी जो जैसा बताएंगे वैसे चलना है, फिर यहाँ से मुझे होशियारपुर जाना है, फिर फगवाड़ा जाना है, फिर कल मैं मोहाली पहुँचूँगा, ऐसे खन्ना पहुँचूँगा। ऐसे हमारे 6 कार्यक्रम हैं, 6 हमारी रैलियाँ हैं और पंजाब के लोगों से हम जो बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो पंजाब उमड़ के बोला हुण रंगले बसंती चोला। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੈਸਾ ਹੈ? दिल्ली मॉडल इस समय इस देश का ही नहीं दुनिया का सबसे थर्ड क्लास मॉडल हो गया है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अगर सिटी कोई बन गई है तो दिल्ली, सबसे ज़्यादा गंदे जल की अगर कोई नदी है तो यमुना जी दिल्ली में 27 किलोमीटर। सब अगर पेंशन कहीं बंद है, न विधवा का, न वृद्धा का, न दिव्यांग का, वो दिल्ली मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में जहां बच्चे दवाई खा के मर जाते हैं, अभी 3 बच्चे मर गए, वो दिल्ली मॉडल है। और जहां पे जहां का मुख्यमंत्री खुद रोज़ गिरफ्तारी से डरता रहता है, पता नहीं हमारा सतेंद्र चंद कब गिरफ्तार हो जाए, वो हमारा फलाना कब गिरफ्तार हो जाए, इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिल्ली मॉडल को पंजाब कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। अकाली दल कह रहे हैं कि जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा प्रचार का पैसा दिल्ली चो दिल्ली के खजाने चो लेके पंजाब च लिया है, यही तो वहाँ पे इनके ऊपर लगभग 60,000 करोड़ के आरोप हैं घोटाले के, और उसी में इन लोगों को गिरफ्तार होने का आप देखते हो, कहीं कहीं ये पीसी करने लगते हैं ना कि सत्यजन को गिरफ्तार करेंगे, हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये इसलिए है कि इन लोगों ने दिल्ली को लूट करके, आप चुनाव में किसी को भी ऐसा प्रचार हमने कभी नहीं देखा जैसा आम आदमी पार्टी करती है। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, इनके सोर्स ऑफ इनकम पे भी केस है। तो पंजाब ऐसे, और कभी ये अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पंजाब को समझ ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपने आप को आम आदमी क्लेम कर रहे हैं, यहाँ आम आदमी क्लेम करते हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां खा, आम आदमी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक दवाई खा के मर रहा है। सर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि गरीब घर का बेटा है, चरणजीत सिंह चन्नी गरीब घर का बेटा है और एक गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। देखो इन लोगों ने पंजाब के लोगों को गरीब बनाने का काम किया और स्थिति सबके सामने है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है एक मौका बीजेपी इस कोलिशन को मिलेगा और हमें पंजाब के ऊपर पूरा विश्वास है, उसी में पंजाब की बेहतरी के सारे कदम हमें बनाने। पर क्या समझते हैं भाजपा का, अगर पिछले कुछ समय से देखें तो ग्राफ कम हुआ है, अभी भी किसानों का विरोध चल रहा है, लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। नहीं अब तो बहुत दिल में प्रेम बढ़ गया है बीजेपी के लिए, और किसानों का सबसे हितैषी कोई हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी। आप देख लीजिए सारे जितने भी कदम हैं, जो भी किसानों का मुद्दा था उसको एड्रेस भी किया हमने, उनके सामने झुके भी हम ही हैं। तो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार बीजेपी से बड़ा किसानों का हितैषी कोई दूसरा रियल में नहीं हो सकता, बाकी तो बोलने के लिए कोई कुछ कहे। दिल्ली में 2,30,00,000 लोग रहते हैं, उनमें 7% लोगों के बिजली के बिल इन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन 93% का क्या हुआ है? उनके बिल पहले से दोगुने हो गए। आप खेल को समझें कि 2,30,00,000 में आपने 13-14 लाख लोगों को राहत दिया और बाकी लोगों को डबल कर दिया, सब रो रहे हैं। ये इनका आपस का खेल है, ये समझते हैं कि पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। वो समय चला गया, पंजाब अपने भविष्य का सोचे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके सरकार बनाए हैं, राहुल गांधी जी ने 2013 में ये दोनों मिलके बनाए थे। 70 करोड़ की संपत्ति वाले गरीब का बेटा कह के
ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही हैं। पूछिए आप सवाल। केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी साढ़े नाल ने, पुरी साहब, पंजाब दे विच 5 जनवरी तो बाद जो प्रधानमंत्री साहब की फेरी मुलतवी हो जाती है, ये अज का की माहौल है? देखो 5 जनवरी नो जो पंजाब प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी नाल जिन्होंने खेल खेता उदी पूरी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की है, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा उदी रिपोर्ट देंगे। तो मैं समझना कि वो जड़ी टेक्निकल सिक्योरिटी इशूज ने उसते मेरा इस वक्त बोलना गलत हो, पर संकल्प नहीं, नहीं संकल्प पर मैं देखना अगर उसका उन्होंने इरादा ये सीगा कि वो प्रधानमंत्री जी नो पंजाब दे लोगों तक अपनी गल सामने रखने वास्ते वो करवाना चाहते सी तो फेल हो गए ने। फेल इसलिए हो गए ने आज तुसी जो सानू प्यार दिखा रहे हो, मनोज तिवारी जी नो दिखा रहे हो, जो तरुण चुग जी नो दिखा रहे हो, इस वक्त हवा बनी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वोटा पहन गया साड़ी सिर्फ अर्बन वोट नहीं जड़ी बीजेपी नाल हमेशा रही है, रूरल हल्कियां च भी कल मैं घूम के आया रूरल हल्कियां च, देखो लोग बड़े समझदार होंगे ने, लोगों की मचोरिटी होंगी है, उन्होंने पता है कि अगर भाजपा नो वोट पाएंगे तो पंजाब विच भी जिस तरह उत्तर प्रदेश जगह डबल इंजन की सरकार बन सकती है तो जितने विकास का काम जोर नाल हो सकता है। सारिया पार्टियां ने चुनाव मनोरथ पत्र जारी किया है लेकिन भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया, की फर्क है चुनाव मनोरथ पत्र से? देखो बड़ा फर्क है, वो फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदों भी कुछ अपने संकल्प किया कमिटमेंट दतिया ने, मैं थानू थोड़ी जानकारी देना चाहना थानू 2014 से 2019 के भारतीय जनता पार्टी के जोड़े संकल्प से घोषणा पत्र पढ़ के देख लो, सारिया कमिटमेंट्स उदे सारिया कमिटमेंट्स असी इंप्लीमेंट कीतिया ने। एक और रह गई है कॉमन सिविल कोड, वो भी धामी जी ने कहता कि वो इंक्वायरी कमेटी बिठा देंगे। देखो जी इंज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैगी सेंटर, भारतीय जनता पार्टी देश की सब तो वड्डी पार्टी है, दुनिया सब तो वड्डी पार्टी है। साडा संकल्प कमिटमेंट जिहड़ा हैगा 11 वो साडे कोल उन्होंने इंप्लीमेंट करन दी कैपेसिटी है, बाकी लोग आके थे यबड़िया मार जांदे ने हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2,81,000 करोड़ का इतने कर्जा है ना, उन्होंने कोल इकनोमिक एक्टिविटी नो रिवाइव करन दा कोई प्लान है साडे? तुसी पढ़ लो 11/4 नो जो असी किया सी, 8 नो जो किया, तो कल तरुण चुग जी ते मैं ते बाकी साडे लीडर कोलीग्स ने जो संकल्प दिया उदे एक्सप्लेनेशन होगी किस तरह करांगे। सानू पूछा जाता है कि तुसा नशा मुक्ति किस तरह करोगे, असी क्या अगर तुसी कहंदे हो नशा आंदा कोई बाकी किसी स्टेट तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करांगे, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करेंगे, और जो यहाँ पे गलत कार्य हो रहे हैं जैसे बेअदबी कन्वर्जन सब पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये भी काम होएगा, कन्वर्जन का भी काम होएगा, नशा मुक्ति दिलवावेंगे, सारा तुम संकल्प पत्र एक बार देख लो, नहीं तो थोड़े को टाइम हो तो तरुण चिप जी तो मैं थोड़ा दोबारा बैठ के पॉइंट बाय पॉइंट जो भी असी लिखे संकल्प पत्र जो किस तरह करांगे वो भी लिखे हुआ है। पुरी साहब नहीं, नशा तो इसलिए नहीं चेंज होएगा बिकॉज उसका कारण यह है कि जिन्होंने मुक्ति दिलवानी सी वो खुद सरकार ही बैठे थे। कैप्टन साहब ने जो सवाल पूछा गया, कैप्टन साहब ने कहा उन्होंने 63,000 बंदे अंदर करते हैं, उदे अलावा बाकी जोड़ा काम सीगा वो कहते जी सोनिया गांधी जी ने उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो कहते उन्होंने लिस्ट भेजती सी सोनिया गांधी थोड़े बंदे कर रहे हैं। तो नशा मुक्ति या ये लैंड सैंड माफिया ये तो मुक्ति तो तभी मिलेगी जेडे सत्ता च होन, तभी मैं कहना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होए वो सारे साढ़े बाकी स्टेट लगे कितने भी ये जी प्रॉब्लम नहीं ने। पुरी साहब बुजुर्ग सियासतदान ये गल कह रहे हैं, बुजुर्ग सियासतदान प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि जिहड़ी भी पार्टी चोण मनोरथ पत्र के वादे पूरे ना करेगी वो इलैक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया पार्टी कैंसलेशन दी रिकमेंडेशन करेगी। स्टार साहब का असी आदर करने, साढ़े बुजुर्ग ने
ये कह रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी ने कुछ स्टेटमेंट दी है कि जो इलेक्शन के दौरान जेड़े चुनाव के दौरान उससे पहले जो कुछ कमिटमेंट्स करते हैं नहीं किया तो उनका इलेक्शन वो पार्टी का वो कैंसिल होना चाहिए उनका। मैंने मुझे पूरा उम्मीद है कि वो बुजुर्ग हैं हमारे हम उनका आदर करते हैं जो वो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन उसका ध्यान देगी। उसने इस पर स्लो मोटो भी लिया। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है, उन्होंने नाम बदल लेना चाहिए और जुमले सुनाती है। देखो सिद्धू साहब साढ़े बार विच रहे हुए ने, असी चंगी तरह उन्होंने जानने हैं। सिद्धू साहब तो हमेशा जो स्टेटमेंट देना मैं पहला सवाल ये पूछना कि इतने कॉमेडी शो से देती है स्टेटमेंट या इतने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देती है। मेरा माई हार्ट रीचेज आउट टू हिम। पप्पू उदा बेवकूफ़ बना गया समझे ना, उन्होंने सारा वो बगावत कराई कैप्टन साहब के खिलाफ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बन जा, वो घूमते फिरते और फिर गरीब का चेहरा आ गया 100 करोड़ वाला गरीब। कुछ लोगों ने उन्हां दी मिसेज दी गड्डी रोक के चाबी करके ते उन्हां नूं डिस्टर्ब करन दी कोशिश कीती है। हुण इहदे च इह स्थिति है, देखो गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी उन्होंने चुटी गुंडागर्दी हो रही है। लोगों को कहा जा रहा है सानू वोट दो असी नशा तुहानू भिजवाते रहेंगे। एक लास्ट सवाल है मेरा, जे मैं पहले ये सवाल जवाब देना, ये चीज़ा जड़िया है इलेक्शन कमीशन नो ते इलेक्शन दे ऑब्जर्वर्स नो इहदी जांच करनी पाएगी क्योंकि अगर इस चीज़ ते रोकया नहीं गया खुलेआम गुंडागर्दी जो है वो चलती रहेगी। इन्हां दे डीजी पुलिस हैगे जिहड़े उन्हां दी महिला कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे ने शायद मलेरकोटले, वो क्लिप तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम वो नहीं होने दूंगा, हिंदू तो सिखां नूं जलसा नहीं करन देगा। और यार हिंदुआं दा जलसा, हिंदू तो सिखां दा जमीन है, उन्होंने जलसा नहीं करन देगा, मैं घुस के मारूंगा। ऐसा आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। हम गए थे इलेक्शन कमीशन में, मैं भी था उस टीम में और इलेक्शन कमीशन के सामने रख के आए हैं। ये तो सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता पूछ रही है। तो अगर आप ईस्ट में गुंडागर्दी के ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। और मैं समझता हूँ राजू जी ने जो कल किया और उन्होंने स्टेटमेंट दी उसमें इस इशू पे फोकस आ गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के होर एजेंसियों के राही पंजाबियों नूं दबाउणा चाहुंदी है। यार पंजाबी कित्थों आ गए, तुहाड़े किसी पंजाब दे पॉलिटिशियन ने सारा वो डॉक्यूमेंट करके कंप्लेंट भेजा, अगर वो ना लेंदे एक्शन तो कहंदे ईडी मिली हुई है।